लगभग एक वर्ष बाद हिंदू वाहिनी की बैठक मंगलवार को गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर स्थित प्रताप आश्रम में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश महामंत्री पी के मल, आनंद शाही, देवेंद्र प्रताप सिंह, ऋषि मोहन वर्मा, रणजय सिंह जुगनू, विनय जायसवाल सहित भारी संख्या में मंडल प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख रूप से संगठन की मजबूती और उसके विकास के साथ वाहिनी द्वारा वर्ष भर में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान वाहिनी के लोगों को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निवारण करने का निर्देश भी दिया गया। आज हिंदू ब्रोकर के संगठन को नई दिशा, नई चेतना, नई संहिता के रूप में कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में आज यह बैठक आहूत की गई है। इस जनपद को सजोने और संवारने का जो एक शिल्पकार की भूमिका, जब हिंदू वाहिनी के ऊपर संकट की घड़ी चल रही थी, तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी, उस अफवाहों पर विराम लगाने वाले हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री पी के मल जी, इस मंच पर उपस्थित पटन के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि रामा जी उपस्थित हो, उसके पहले मैं प्रभारी जी को यह अवगत कराना चाहूँगा कि आपके यह कार्यकर्ता कठिन परिस्थितियों में आपके साथ जीने मरने की कसम खा करके झुके हुए हैं। कोई भी आंधी हो, तूफान हो, जाड़ा हो, बरसात हो, किसी भी परिस्थितियों में यह कार्यकर्ता हिंदू या वाहिनी का यह पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपके दिशा निर्देश का अच्छा सा पालन करने के लिए तत्पर है। वह अपने जान देकर के भी हिंदू या वाहिनी के अस्मिता की रक्षा करने के लिए संकल्पित हैं। इनकी मन भावनाओं को समझते हुए आप जनपद गोरखपुर के सभी पदाधिकारियों के जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू आप होंगे, और रूबरू होते हुए आप उनके समस्या का निदान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता यह आशा अभिलाषा के साथ अपनी प्रस्तावना आपको दे रहे हैं। हम प्रारंभ कर रहे हैं वित्त के कड़ी में गंभीरगंज से। गंभीरगंज के कार्यकर्ता एक साथ जय श्रीराम का नारा देते हुए बैठक लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद अगर किसी कार्यकर्ता को कोई दिक्कत आया था तो निश्चित तौर पे आदरणीय प्रभारी जी हो या पी के मल जी, दोनों लोगों ने उस कार्यकर्ताओं का कोई भी ऐसा आफत आया, कोई भी ऐसा कार्यक्रम, कोई भी ऐसा मामला आया तो या मरियागंज में रहें या लखनऊ में रहें या गोरखपुर में रहें, निश्चित तौर पे समाधान कराने का कार्य किए। विषम परिस्थिति में चाहे कोई भी कार्यकर्ता, मेरा ही चुनाव ले लिया जाए, चाहे कोई भी मामला आता है तो आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी, जब से संगठन में मैं आया हूँ 2002 में संगठन से पहले महाराज जी से हम लोग जुड़े थे बजरंग दल में, उस समय मैं था, लेकिन जब से हम लोग संगठन में जुड़े हैं निश्चित तौर पर आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी का हम सबको मार्गदर्शन मिलता है, आदरणीय पी के मल जी का मार्गदर्शन मिलता है। हम सब निश्चित तौर पर आदरणीय प्रभारी जी को और आदरणीय पी के मल जी को सुनने आए हैं, मैं उसमें बाधक न बनते हुए आप सभी को, आप सभी के तरफ से आज मुख्य अतिथि जी आदरणीय हमारे यशस्वी विधायक डुमरियागंज के लोकप्रिय विधायक, मैं तो चुनाव में पिछले चुनाव में गया था, इस चुनाव में मैं नहीं जा पाया था और मैंने देखा कि विषम परिस्थिति में एक बार जब चुनाव आ भी चुकी है, राजनीतिक मंच नहीं है, हम लोग संगठन में बैठे हैं, संगठन का बात ही निश्चित तौर पर होना चाहिए, संगठन कैसे चले, कैसे संगठन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन एक चूंकि बात करना भी जरूरी है, कुछ विषम परिस्थिति में एक बार व्यक्ति जैसे हम लोग को सीखना चाहिए संघर्ष कैसे करना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। एक बार मैंने भी बहुत विधायकों को देखा है, बहुत सांसद, बहुत लोगों को मैंने देखा है, चुनाव हार जाने के बाद डुमरियागंज में माननीय अपने यशस्वी विधायक आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह ने किस तरह संघर्ष करके और शेर के मुंह से जीत निकाल के कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नाम का मान बढ़ाने का कार्य किया। हिंदू वाहिनी की धाराएं वही हैं, कभी धारा तेज हुई, कभी तूफान आया तो धारा में कभी कुछ रोकने की कोशिश हुई,
लेकिन आप लोगों ने धारा की दिशा और दशा लगातार बनाए रखा है। पहले आप लोगों को भी कार्य करते रहे, मैं प्रस्तावना के रूप में अपनी बात को रखना चाहूँगा कि पहले जो भी कार्य आप करते रहे उस माता जी का संरक्षण और समर्थन के साथ उनकी खेल कर उनकी शारीरिक रूप से उनका नेतृत्व के हम सभी लोगों को मिलता रहा। बहुत सारे लोग हम सब लोग अपने आप को उनके पीछे सुरक्षित महसूस करते रहे कि मुझे मालूम है कि मेरी गलती अगर किसी से गलती से हो गई तो हमारे एक संरक्षण हमें सुरक्षा देने के लिए बैठे। आपके संगठन ने पिछले 15 वर्षों के बाद आपके गुरु संरक्षक इस गोरख स्वीप के अभियान को केवल उत्तर प्रदेश के 80 उत्तर प्रदेश के 80 इकाइयों के केवल कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही नहीं पूरे प्रदेश के सभी जनता के सुरक्षा और हितों के समाधान के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आपने मुझे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने उनके ऊपर सौंपी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बात को आपके सामने समझी से रखना चाहता हूँ कि आपने पिछले 15 वर्षों से जो संघर्ष किया वो संघर्ष केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने जब शुरुआती के दिनों में घर से बाहर निकलते थे तो आपके घर में घर के लोग और बाहर के मिलने जुलने वाले लोग भी आपको ताने देते होंगे कि कहाँ पागल पागलों की तरह योगी जी के पीछे घूमता था। लेकिन आपने उस पागल पर को हमेशा अपने साथ रखा, बरकरार रखा और उसी पागल पर की है उपलब्धि है कि आपको एक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से मिला। हम लोग आप खुश हैं, हम लोग खुश हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गोरखपुर से मुख्यमंत्री लिया और सबसे ज्यादा हिंदू वाली कंट्री में खुश है कि हमारे मुख्य संरक्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी और भी ज्यादा होगी कि जितना हम खुश हैं उससे कहीं ज्यादा खुश पूरे भारतवर्ष के लोग हैं कि आपने मुख्य संरक्षक के रूप में जिन्हें बनाया था मुख्यमंत्री और पूरे भारतवर्ष को एक राजनीति की नई दिशा देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ऐसा कौन सा संगठन है, ऐसा कौन सा संगठन है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को एक नई दिशा देने की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व के पत्रकारों की नजर आपके ऊपर है, हिंदुवाणी के ऊपर है। ये छोटी बात नहीं कि जब कोई बात होती है तो जापान से और अमेरिका से पत्रकार यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आते, बहुत सारे लोग आपको मालूम नहीं होगा लेकिन आपकी हर एक गतिविधियों की रिकॉर्ड की जा रही है, रिकॉर्ड करके आपको जानकारी नहीं होगी। तो 32 पुस्तकें पिछले एक साल में जो महाराज जी के नाम से लिखी जा चुकी है तो सामने देख रहे हैं और खुश हो रहे हमारे संसद का जो